दिलाप जवेरी सर ने जो मूवी बनाई है, मतलब कि सत्यमेव जयते का सीक्वल है ये, सत्यमेव जयते टू, मतलब कि स्टोरी ट्रिपल रोल है जो जॉन अब्राहम, वो कहते हैं ना कि मूवी इंटरटेनमेंट से चलती है, फुल इंटरटेनमेंट दिया गया। जिस हिसाब से ट्रेलर था उससे कहीं ज़्यादा ही ये मूवी अच्छी लगी, लेकिन पब्लिक नहीं है। तो कैसी लगी मूवी? मूवी अच्छी थी, मुझे अच्छा लगा, उसमें बहुत सारी सीखने की चीज़ है, जो जो देश में होता है वो सब बताते हैं, कैसे क्या होता है, करप्शन के बारे में बताते हैं, उसमें अच्छे से बताया। एकदम औसम था, नेशनल के ऊपर था तो और अच्छा लगा, करप्शन के ऊपर था तो और बेटर था, तो बहुत अच्छी मूवी लगी। मूवी इज़ वेरी सुपर यार, लाइक सोशल मैसेज भी है मूवी में काफ़ी, स्मॉल स्मॉल सोशल मैसेज, जैसे वुमेन का, निव्या का। देखिए पिक्चर ओके लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, एक्टिंग अच्छी है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, देशभक्ति सोच के आए थे तो इसमें देशभक्ति का कम है। जॉन अब्राहम इज द मैचो मैन, जो ट्रक का जो इंजन उखाड़ दे रहा बाइक को लेकर, जैसा फोर्स इज रियल, ही इज डन इज रियल, और एक्शन सीन्स उसमें काफ़ी का अच्छी तरीके से, दिव्या घोसला उनका भी सेकेंड हाफ में काफ़ी एक्टिंग जो दिखा रहा, जो डायलॉगों ने डिलीवरी किया है, जो पार्लियामेंट में खड़े रहकर औरत के लिए स्पीच देती, काफ़ी अच्छी तरीके से। जी हाँ, बहुत दिनों के बाद उन्होंने मूवी में काम किया है, लेकिन उनका जो रोल मिला है उनको, मतलब कि ज़्यादा नहीं दिया गया उनका रोल, लेकिन जितना भी मिला है बहुत अच्छा मिला है, और उन्होंने अपने रोल को बहुत बाखूबी प्ले किया रोल को। हाँ, उन्होंने भी फर्स्ट मूवी था उनका, अच्छा लगा, बाकी उन्होंने सिर्फ सॉन्ग के लिए काम किया, उनके उनसे तो बहुत एक्सपेक्ट था और बहुत अच्छा भी किए। हाँ, वो तो अच्छी एक्टर है, तो उन्होंने पहले भी मूवी देखी मैंने, वो उनकी भी अच्छी एक्टिंग थी, एक्टिंग अच्छी है, एक्टिंग में तो देखिए ये लोग एक्टर हैं और इतने सालों से एक्टिंग करके आ रहे हैं, तो एक्टिंग में तो कोई खामी नहीं है, लेकिन ओवर एक्टिंग ज़्यादा लगी। नोरा फतेह अली खान, शी इज़ अ सेक्स दीवा, शी इज़ अ लाइक सेबल टाइप का कैरेक्टर, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से अपना डांस किया, जिस तरीके से वो तो डांसर है तो उनका तो कुछ बोल नहीं सकते, वो तो डांसिंग में है, फिलहाल जो देश के ऊपर जो गाना था वो ज़्यादा इफेक्टिव लगता है। उन्होंने तो पहले से काफ़ी बेटर करते ही, इसमें तो काफ़ी और अच्छा किया है उन्होंने। नोरा फतेह अली वली का जो आइटम सॉन्ग है ना, वो 5 मिनट का है, उसमें थोड़ा मज़ा आया। जो सुकू सुकू गाना है वो पब्लिक को जो है दिमाग में बैठा रहेगा और वो घुसते रहेगा, निकलने के बाद भी वो घुसते रहेगा। 5 out of 5 मैं 3 देना चाहूँगा। मैं ये मूवी को दूंगा 3 स्टार। आउट ऑफ 5 आई गिव 3.5, 3.5, 4 इज काफ़ी अच्छी तरह से। आउट ऑफ 5 इसमें से 3 स्टार बनते हैं मेरे हिसाब से। जुमला मार्टोनर का भी जो काम जो लास्ट में उन्होंने क्लाइमेक्स में पकड़ के रखा, इसीलिए इस मूवी को जो है 3 ना बजाय देने के बजाय मैं इस मूवी को 3.5 स्टार दूंगा।